अपना सेवा शिक्षा देने के लिए कृष्ण स्वयं श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकट हुए, क्योंकि हमें पता नहीं कृष्ण कैसे खुश होते। अगर कृष्ण स्वयं अगर ये बात को बोले, अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो तुम कैसे प्रसन्न कर सकते हो, अगर वो स्वयं बोले तभी हमें पता चलेगा। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना वाम अंग से श्री राधा रानी को उन्होंने प्रकाशित किया है, और राधा रानी अनंत रूप में प्रकाशित होकर के कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही, और बलदेव प्रभु रूप में प्रकट होकर के कृष्ण सेवा में इतने आनंद इतने रस। कृष्ण स्वयं बलदेव प्रभु रूप में 10 शरीर से पंच रसों से उनको सेवा करते हैं, लेकिन कहते उनको रामलीला में ऐसे कुछ उनको काम करना पड़ा जो सेवक धर्म से विरुद्ध धर्म है। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा, ये लक्ष्मण को ही अग्नि परीक्षा में उनको चिता की सजाना पड़ा, अभी बड़े भाई का आदेश तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन ये सेवक धर्म से विरुद्ध है। अपना माता जी के लिए और अपना आराध्या देवी के लिए कोई अगर अग्नि चिता सजाई है संभव हो सकता है, लेकिन छोटे भैया होने का नाते श्री बलदेव लक्ष्मण जी को उनको काम करना पड़ गया। दूसरा काम किया जब सीता को उन्होंने जब धोबी बोलने पर हैं, धोबी ने जब बताया मैंने थोड़ी राम रावण सीता को उठा करके ले गया और लंका में 1 साल तक रखा, फिर राम ने क्या किया वो सीता को ला करके बराबर आसन दे दिया, इसलिए मैं राम नहीं हूँ। इसलिए वो धोबी ने अपना पत्नी एक रात के लिए कहीं रुक गई तो फिर उन्होंने अपना घर में उनको रहने नहीं दिया। इसलिए लक्ष्मण को लास्ट में भगवान राम ने लक्ष्मण को ही बोले जाओ सीता को जंगल में छोड़ कर जाओ, लेकिन ये भी उनके लिए बड़ा कठिन था, लेकिन बड़े भैया का आदेश होने का ना तुमको छोड़ना पड़ा, बोले और मैं छोटे और बन करके नहीं आऊंगा, इसलिए बन करके आऊंगा तो मैं बड़ा ही बन करके आऊंगा, फिर तो मेरे आदेश को उनको पालन करना पड़ेगा। किसको? कृष्ण को मेरा आदेश पालन करना पड़ेगा, आदेश पालन करना पड़ेगा तो तभी मैं अपना प्रभु को अच्छे तरह से सेवा कर सकूं। इसलिए देखो ये कोई बात थोड़ी हुआ भगवान मेरे से छोटे बने और मैं भगवान से बड़ा बन जाऊं, ये भी एक अधर्म है ना, भगवान बन जाए छोटे और सेवक बन जाए बड़ा, और मेरे आदेश को भगवान को पालन करना पड़ा, ये तो धर्म है, ये भी बड़ा विरुद्ध लगता है, लेकिन बोले नहीं यही सेवा है। कहते सेवक 4 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं सेवक? एक है उत्तम, एक है मध्यम, एक है कनिष्ठ और एक है आधम। कहते ये 4 सेवक होते हैं। कहते ये उत्तम सेवक कौन है? कहते उत्तम सेवक हुए हैं प्रभु नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्त सेवा करना, उनकी जोर जबरदस्त सेवा करना। जैसे पति कहीं बाहर जा रहा है, ठंडा का समय, पत्नी ने कहा देखो आप बाहर जा रहे हो, एक सल साथ में लेकर चलो तो, और थोड़ा प्रसाद भी साथ में ले जाओ, लेकिन पति मना करता है, बोले नहीं अभी जाऊंगा, अभी मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए चिंता मत कर, बोले नहीं अगर देर हो गई तो फिर क्या करोगे। वो पति मना करने पर भी पत्नी टिफिन में बड़े सुंदर प्रसाद का ही करके दे देती और उनको एक साल भी है उनके प्याज में एक साल रख लेती है, इस आटाज में इसको ले जाओ अगर जरूरत पड़ेगा तो। यहाँ पर पति मना कर रहा है, लेकिन मना करने पर भी जो पत्नी वो जोर जबरदस्ती करके दे रही, यद्यपि वो मना करता है, अगर पत्नी अगर दे दिया तो बता पति अच्छा माने कि ना बुरा माने, बोलो बोले कि देखो मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरी पत्नी कितने अच्छी है, वो मेरी कितने ध्यान रखती है, मैं मना करने पर भी टिफिन में और इतना सुंदर प्रसाद और मेरे लिए ओढ़ने के लिए सर दिए, यद्यपि ऊपर से मना कर रहा है लेकिन अंदर से बड़ा खुश होगा।
फिर ऐसे जो सेवक है ना सर्वश्रेष्ठ सेवक है, नहीं चाहने पर भी है। इसलिए गुरुदेव नहीं चाहने पर भी नहीं, आपका तबियत खराब हो जाएगा, ये चीज के खा लो, ये चीज को रख लो, ये चीज को परहेज कर लो, शासन करके नहीं चाहने पर भी शिष्य क्या करता है, शासन करके गुरुदेव को शासन चलाने के नहीं अब लो नहीं तो तबियत खराब होगा, मना करे कदी भैया की उत्तम सेवक है। मध्यम सेवक कौन है? मध्यम सेवक हुए ही बोलने से पहले, गुरु जी की आदेश होने से पहले इच्छा जान करके जो सेवा कर ले, कभी ये मध्यम सेवक। बोले कनिष्ठ सेवक कौन है? बोले कनिष्ठ सेवक हुए हैं आदेश करने पर बड़े नम्रता को साथ में, आदेश को नम्रता को साथ में गुरु जी के आदेश को पालन करना कनिष्ठ सेवक। बोले अधम सेवक कौन है? बोले गुरु जी आदेश देने पर भी गुरु जी कह भैया वहां पर जाओ ये चीज को ले आओ, बोले आप कह रहे हो जाओ ले, अगर वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओ, फिर क्या होगा, फिर वापस आना पड़ेगा ना, वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए बोले एक पहले सुखता भ्रमर एक सेवक होता है भौरा, भौरा देखना गुनगुन गुनगुन गुनगुन, मतलब आदेश दिए, अगर जाकर तबियत खराब हो गया तो वहां पर जाकर भी वहां जाकर ये दिक्कत हो जाएगा, तो हजार गुरुदेव नहीं जाए तो अच्छा है, मेरा इच्छा नहीं कर रहा है जाने, कहते भैया ये सेवक सेवक नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते सेवक, बोले सेवक से को हटा लो रह जाएगा बक, बक मतलब होता है बगुला, कहते वो बगुला सेवक है। इसलिए कहते हमारे श्री लक्ष्मण जी उन्होंने क्या किया, बोले नहीं अगले की वन में और मैं छोटा वन करके नहीं आऊंगा, आऊंगा तो बड़ा वन करके आऊंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण सेवा के लिए, जब मैं बड़ा बनूंगा अपना मन मर्जी में भैया को सेवा, कृष्ण चाहिए नहीं, छोटा है ना, और बलदेव प्रभु तो सर हाँ बड़े भाई, अभी बड़े भाई का आदेश छोटे भाई को पालन करना पड़ेगा, क्यों ये बड़े भैया बनना चाहते हैं? बोले इसलिए उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए। इसलिए श्री लक्ष्मण जी कहीं कहीं आता है तो भैया कि मेघनाथ को कौन वध कर सकता है? बोले वही वध कर सकते हैं जो 14 साल तक उसने खाए नहीं, 14 साल तक जो सोए नहीं, 14 साल तक जो स्त्री की मुख दर्शन नहीं किया, वही व्यक्ति ही मेघनाथ।